ठीक है, अगले हफ्ते की मीटिंग लाइनअप कर लें फिर। मैं इससे ज़्यादा डिले कर नहीं सकता हूँ। और आप गजनपुर साहब को भी फोन मिलाएं, बात करें उनसे। ओके सर। सर उनका नंबर तो बिजी जा रहा है। सॉरी, नंबर बिजी जा रहा है सर उनका। कोई बात नहीं, उन्हें ट्राई करती रहे, आज ही बात कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू। हाँ बस, अब मैं पहनती नहीं हूं ना ऐसे रंग। मगर क्यों, ये कलर्स तो आप पर बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा, अगर तुम कह रही हो तो मान लेती हूँ। तुम्हें कितनी बार कहा है ये सब मत किया करो। मगर मैं तो ये सब कुछ पहले से करती हूँ, तो अब क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी सबसे कमाल बात ही ये है कि मैं तुमसे कुछ भी कहूं तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कल मुंह दिखाई में कुछ नहीं दिया ना तुम्हें? कुछ था, सोचा सुबह के लिए बचा के रखता हूं। यमन में यहां रहूंगा नहीं, ये घर फैमिली सब छोड़ के चला जाऊंगा। पर तुम चाहो तो मामा और डैड के साथ यहां रह सकती हो, जैसे हमेशा रहती आई हो। इस बात का क्या मतलब है? हाँ, मुंह दिखाई। क्या है? अगर ये काफी नहीं है तो अल्फाज में भी कह देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। क्या कह रहे हो बेटे? होश में तो क्या है सब? अच्छा हुआ कि आप आ गए। आप ही ने बांधा है ना मुझे जबरदस्ती इसके साथ। जायदाद में हिस्सा तभी मिलेगा जब इससे शादी करोगे, यही शर्त रखी थी ना आपने। लीजिए, पूरी कर दी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस हद तक गिर सकते हो। चाहूं तो एक सेकंड में मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। जो कानूनी तौर पर मेरे नाम होना था सो हो चुका है, और आपकी शर्त यह थी कि मुझे इससे शादी करनी है। कितना अरसा साथ रहना है इस बारे में कोई बात नहीं थी। इस बच्ची के जज्बात के बारे में एक लम्हा नहीं सोचा तुमने? गेट आउट अभी, और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। खुद को इतनी जहमत मत दीजिए डैड, मैं तो जा ही रहा हूं। एक काम और करना, अब कभी भी दोबारा इस घर में कदम ना रखना। किसी खुशी में, किसी गम में मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। आप हमेशा कहती है ना मैं कभी आपकी बात नहीं मानता, इस बार भी नहीं मानूं। मैं लौट के आऊंगा जरूर, पर कब इसका फैसला भी मैं खुद करूंगा।